the ultimate test. अब यार इतना बड़ा मैच है तो आपका भी मन करता होगा कि आप भी यार टेस्ट मैच खेलो, पर यार हाई एंड पीसी सबके पास कहाँ होता है। मतलब कि यार हाँ, पीसी के लिए तो बहुत सारे टेस्ट वाले गेम्स होते हैं, लाइक क्रिकेट 22 हो गया, क्रिकेट 19 हो गया, टीबीसी 14 हो गया, तो ये सब हो गया है ना। तो पर कोई बात नहीं यार, अगर आपके पास पीसी नहीं भी है पर एंड्रॉयड फोन तो सबके पास होता है ना, तो उसी एंड्रॉयड फोन को निकालो और सबसे पहले तो मुझे सब्सक्राइब करो, और बाकी यार उसमें मतलब कि उसी के अंदर ही आप टेस्ट मैच को भी खेल सकते हो, टेस्ट क्रिकेट को भी खेल सकते हो। और आज ना यार मैं आपको बताऊंगा वो कुछ टॉप ऐसे क्रिकेट गेम्स जिसके अंदर आपको बेस्ट से बेस्ट रियलिस्टिक क्रिकेट एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, क्रिकेट नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट एक्सपीरियंस। ठीक है, कैसे तो वीडियो पे आगे बने रहो, सारा चीज पता चली जाएगा। और बाकी हाँ यार, वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि यार मेरे को किसी ज्योतिष ने बोला था ऐसा कि अगर WTC फाइनल के पहले ना 800 लाइक्स इस वाले वीडियो पर हो जाते हैं तो भाई इंडिया जरूर जीतेगी। तो लाइक जरूर करना यार, मतलब यार एकदम लाइटली मत लेना, और भाई कर देना यार, तो यार कर देना लाइक। खैर अब ज्यादा बिना किसी वक्त भाई चलो आज के वीडियो को शुरू कर डालते हैं। अब यार दोस्तों नंबर 4 पर जो गेम आता है उसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियंस, जो जपाक वालों का गेम है। अब यार इस गेम के ऊपर रिसेंटली स्टार जी ने भी वीडियो बनाया था, पर यार जब मैंने वीडियो को देखे थोड़ा सा मतलब कि मैनिपुलेट हो गया, और जब मैंने इस गेम को डाउनलोड करा ना भाई, तो यार मैं कंफ्यूज हो गया कि ये टेस्ट गेम है या फिर क्या है ये। मतलब यार मैंने लिटरली 15 बॉल पे हाफ सेंचुरी बना डाला, और भाई इसमें जो स्क्वाड्स है ना वो भी लेटेस्ट नहीं है, और कोई टेस्ट मैच जैसा फील ही नहीं आता है। तो भाई तूने क्यों रखा है इस गेम को लिस्ट में, ऐसा आप इससे पहले के हिसाब कमेंट करो। मैं आपको बता दूं कि देखो यार भले ही स्क्वाड्स लेटेस्ट ना हो, पर यार फिर भी पुराने स्क्वाड्स को लेके खेलने का भी जो मजा है ना वो भी कम नहीं आता है, वो भी मजा आता है। ठीक है, अलग किस्म का मजा आता है पर आता जरूर है। और भले ही टेस्ट मैच की तरह इस पे गेम प्ले भी नहीं होता है, पर जो भी होता है थोड़ी देर खेलने के बाद ना, जो स्लो ड्रग्स नहीं होता तो उसके तरह ना मजा भी आने लगता है थोड़ी देर खेलने के बाद। क्योंकि वैसे भी ना हम लोग आगे तो एकदम रियलिस्टिक टेस्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे ही, तो अगर भी एक गेम थोड़ा बहुत हमें अलग डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस दे रहा है तो उसमें क्या ही बुराई है ना। और बाकी यार इसके अंदर टेस्ट चैंपियनशिप, क्विक मैच, पुराने यादें ताजा कराएंगे, तो ये सारा चीज आपके अंदर है इसके अंदर, मतलब कि गेम के अंदर है, तो ये सब चीजें भी आप खेल सकते हो। अब यार इसके ये जो गेम है ना वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाता है, सिर्फ 70-80 MB के पास का ही साइज है, तो अगर मन करे तो जाके एक बार देख सकते हो, खेल भी सकते हो। अब यार नंबर 3 पर दोस्तों जो गेम आता है वो आता है WCC 2 का टेस्ट मैच। अब यार देखो जितने चाहे क्रिकेट गेम्स क्यों ना निकल जाए, पर WCC 2 इज अ कल्ट क्लासिक गेम। एक यार टाइम हुआ करता था जब WCC 2 सबके दिलों में राज करता था, और यार अब देखो मतलब कि क्यों इसका पॉपुलैरिटी वगैरह कम हुआ वो अगर आप जानना ही चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो आप, क्योंकि ये वाले वीडियो के अंदर हम वो सब चीज बात नहीं करेंगे। तो जो भी हो इस वीडियो पे हम टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, तो सुनो बेसिकली आपको काफी रियलिस्टिक टेस्ट एक्सपीरियंस इस पे देखने को मिलता है। मतलब कि नॉर्मली क्या होता है कि गेम के अंदर टेस्ट पे आप इजिली चौके छक्के लगा सकते हो, क्योंकि फील्डर्स तो भाई अंदर होते हैं ना, तो मजा नहीं आता है ना। फिर सोचो आप खुद मतलब कि 20 बॉल पे आप टेस्ट में हाफ सेंचुरी लगा रहे हो तो मजा नहीं आएगा है ना, तो ये गेम अलग कहां करता है देखो। पर यार इस गेम के अंदर मतलब कि होता क्या है ना कि एक टाइमिंग मीटर होता है, ठीक है, जो बैट्समैन के स्किल्स के अनुसार रहता है कि रोहित शर्मा का सपोज 70 है, विराट कोहली का सपोज 72 है, या फिर ऋषभ पंत का 75 है, तो मतलब कि अपने अपने स्किल्स के अनुसार, ठीक है, और ये गेम वालों का है, पर्सनल नहीं जाते हैं, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से रहता है। और जितना आप ग्राउंडेड शॉट्स लगाते जाते हो ना, मतलब कि लगाते जाते हो, आपका जो मीटर है वो धीरे धीरे उतना उतना बढ़ेगा, और डॉट मारोगे तो घटेगा। फिर उसी वाइज से ध्यान पूर्वक आपका जो मीटर है उसको आपको हाई करवाना होता है, और उसी वाइज बैलेंस कर करके खेलना होता है। मतलब कि जब ये पूरा फुल हो जाता है ना तो आप भाई छक्के लगा सकते हो फिर जा करके। और यार तो ये चीज काफी बढ़िया है, इवन बॉलिंग करने में भी आपको सेम ही मजा आता है, क्योंकि काफी टाइम एज वगैरह लग जाता है तो मजा आता है भाई। तो यार टेस्ट क्रिकेट वाइज मुझे तो ये गेम काफी पसंद है। और हाँ कुछ नेगेटिव भी है, लाइक स्टेडियम के लिए आपको आर्ट्स देखना होता है, ओवर्स के बीच बीच में भी आर्ट्स आ जाते हैं, एंड ऑल मतलब कि ये सब होता है, ठीक है, तो थोड़ा बैलेंस होकर ही आपको खेलना होता है। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि WCC 2 के अंदर अगर आपने टेस्ट मैच नहीं खेला है ना तो जिंदगी में बहुत कुछ मिस कर रहे हो, जाके एक बार ट्राई कर लेना। ऑलराइट, अब नंबर 2 पर दोस्तों जो गेम आता है वो आता है WCC 3 का टेस्ट मैच। अब यार मैंने इसको रखा तो है नंबर 2 पर यार मुझे यार अगर किसी ने पूछा ना, मतलब कि अगर मुझे पूछा जाए तो मैं तो यार इन दोनों में से आराम से WCC 2 के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि WCC 2 में ज़्यादा नोकझोंक नहीं है, सिंपल गेम में मज़ा आता है। पर इसके अंदर हाँ इसके अंदर ग्राफिक्स थोड़े अच्छे हैं मैं मानता हूँ, इवन जो जर्सी है वो भी थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक फील होता है वो भी मैं मानता हूँ, टाइमिंग मीटर वगैरह सभी चीज़ें इसमें सेम ही है। पर यार पता नहीं क्यों वो जो गेम प्ले है ना वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड फील होता है, उतना जो फ्री होके होता है ना वो नहीं आता यार, मतलब कि कुछ ना कुछ मिसिंग तो लगता ही है। पर हाँ उतना भी मतलब कि नहीं,
उतना भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं होता है। आकाश चोपड़ा का कमेंट्री है वो आपको फ्री में देखने को मिल जाता है, बाकी ग्राफिक्स तो अच्छा है ही। तो बाकी किसी भी स्टेडियम को आप आर्ट्स देख के ओपन कर पाते हो, तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या ही हो सकता है ना। तो कटसेंस भी आपको काफ़ी तरीके के बढ़िया बढ़िया 3D वाले देखने को मिल जाते हैं। एंड आप यार टीम के जो फेसेस है उसको भी बदल सकते हो, किसी का भी नाम को भी बदल सकते हो, तो बहुत चीज़ कर सकते हो ना। बट वो थोड़ा बहुत गेम प्ले में इंप्रूवमेंट्स नीड रहता ही है। तो टेस्ट मैच पर्सपेक्टिव से बात करें तो हाँ, गेम खेलने लायक है अगर आप खेलना चाहते ही हो और WCC2 पहले खेल रखा है, देन गो फॉर इट। अब यार दोस्तों नंबर 1 पर फाइनली जो गेम आता है उसका नाम है नॉन अदर देन रियल क्रिकेट 22। नहीं नहीं, मुझे कोई पैसा पैसा नहीं मिलता है इसको नंबर 1 पे रखने के लिए। बाकी ही में जो गेम अच्छा होता है ना, तो उसी को ही हम नंबर 1 पर रखते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गेम नंबर 1 पोजीशन डिजर्व नहीं करता है, तो यार तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना यार। आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, बाकियों के ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, बट यार आप मुझे कमेंट करके ये बात जरूर बोलना कि अगर हम एंड्रॉयड के क्रिकेट गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो नंबर 1 जो स्पॉट है वो कौन सा गेम डिजर्व करता है अगर रियल क्रिकेट 22 नहीं है तो। तो ये आप कमेंट कर देना। खैर अब बाकी यार ODI T20 के लिए तो गेम बेस्ट है ही, पर यार टेस्ट के लिए भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भले ही आपको टाइमिंग मीटर देखने को नहीं मिलता है, बट यार आपको एक कॉन्फिडेंस मीटर देखने को जरूर मिलता है। और एकदम स्टार्टिंग से ही आप एकदम लॉकेड वाले शॉट्स भी लगा तो सकते हो, बट आपका ना वो जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा लो होगा। मतलब कि हो सकता है कि आपके एज लग जाए या फिर कैच आउट हो जाओ आप, बट धीरे धीरे यार जब आपका जो मीटर है ना वो बढ़ेगा ना, तो आप एकदम ओपी वाले शॉट्स लगा सकते हो। बाकी ग्राफिक्स वाइज भी इसका कोई तोड़ नहीं है, काफी बढ़िया गेम है। बट हाँ, लो एंड डिवाइस वाले अगर आप हो ना, तो यार इस गेम से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है, क्योंकि ये भाई लैग करता है लो एंड वाले डिवाइस के अंदर। बाकी अगर आपके पास 6GB रैम है, वन प्लस है, आईफोन है, देख रहे हो भाई आईफोन का स्पेलिंग तक नहीं बोला जा रहा मुझे सही से, ऐसा पता क्यों हो रहा है? आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, तभी तो पैसे भी नहीं आते। आप यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मैं भी आईफोन ले पाऊं। खैर, इससे बढ़िया क्रिकेट गेम आपके लिए कुछ हो नहीं सकता अगर आपके पास ये सब फोन्स है तो। बाकी अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, आप लो करके खेल सकते हो इसी गेम को, या फिर दूसरे 3 गेम्स को आप खेल ही सकते हो। बाकी यार ना होप करते हैं कि इंडिया WTC वर्ल्ड कप जीत जाए। तो बाकी इस वीडियो पे 700 लाइक्स भी कंप्लीट कर देना, क्योंकि क्या पता सही मैच वो जो ज्योति सिंह ने जो बोला है वो सही निकल जाए। तो कर देना प्लीज यार वीडियो को लाइक। और बाकी यार मिलते हैं दोस्तों कल वाले अगले वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सब अपने वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। क्या बोल रहा हूं यार, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगले वाले वीडियो के अंदर। गुड बाय।